आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और यही बदली हुई आदत आपका भविष्य बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पे डिस्कशन करेंगे, और साथ ही इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आडियो पूछाएंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको आज के करंट अफेयर की PDF के लिए मिल जाएगी। और देखिए, चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर होने वाले सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो देखिए, ये प्रश्न आपका लखनऊ है। और दूसरा था कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं PK सिन्हा। तीसरा था कि किस राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया। तो देखिए, ये राज्य आपका है मेघालय। चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक विशेष टाइगर फोर्स बनाने का फैसला किया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है उत्तराखंड की। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों के विलय की घोषणा की है। तो देखिए, इन बैंकों की संख्या टोटल 10 है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से पूर्वी कालीमंतन प्रांत में स्थानांतरित कर दिया है। तो देखिए, ये देश आपका है इंडोनेशिया। देखिए, जो आपका इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। तो ये जो है, देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार लोकेटेड है, ये आपका जकार्ता है। देखिए, इंडोनेशिया जो है ये आपका बहुत छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश है। तो कई छोटे छोटे आइलैंड है, और देखिए, जो आपका ये जकार्ता है, तो हाल ही में इसके जो है थोड़े से कुछ जो इसके बाउंड्रीज है, ठीक है, तो समुद्र के किनारे स्थित है, तो इसके जो है डूबने की खबरें आई थी, और ये काफ़ी पॉल्यूटेड भी हो चुका है। तो इसीलिए जो आपकी इंडोनेशिया की सरकार है, ये जो कह रही है कि अब जो है हम इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसको जो हम कहाँ पर कर देंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पीला पार्ट, ठीक है, कालीमंतन। तो पूर्वी कालीमंतन में जो है, जो आपकी इंडोनेशिया की राजधानी होगी, अब जो है इसको स्थानांतरित की जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है, कालीमंतन प्रांत में इसको स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इस शहर को नाम नहीं दिया गया है। तो ये डिटेल आप दिमाग में बनाए रखिएगा। और देखिए, दूसरा प्रश्न आएगा आज का कि किस राज्य में भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है। तो देखिए, जो भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है, ये खोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। और देखिए, जो आपका ये कचरा कैफे, इसके बारे में जान लीजिए, इसकी क्या स्कीम है। देखिए, ये जो है एक अनूठी पहल है, और इसके तहत छत्तीसगढ़ का जो आपका अंबिकापुर नगर निगम है, ठीक है, तो इसने पहली बार अपनी तरह का जो है गार्बेज कैफ़े खोला है। और इस कैफ़े में क्या होगा, देखिए, ये पहल जो है शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। और इस अनूठे कैफ़े में गरीब लोगों और कूड़ा बीनने वालों को जो है 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले मुफ्त में भोजन मिलेगा, जबकि 0.5 किलोग्राम प्लास्टिक कैफ़े में लाने पर जो है आपको नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और यही जो आपका प्लास्टिक हुआ, बाद में इसको जो है रिसाइकिल के लिए जो है कलेक्ट करके भेज दिया जाएगा। तो ये जो है स्कीम है कचरा कैफे की, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत का जो पहला कचरा कैफे है, ये जो है बियाली में छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा। और तीसरा प्रश्न है कि असार्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र बी अकलेकर। और देखिए, जो आपकी ये पुस्तक है असार्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, किस चीज़ पर चर्चा की गई है। देखिए, भारतीय रेलवे के इतिहास पर ये जो है नई पुस्तक 1830 के दशक से लेकर नई हाई स्पीड ट्रेन 18 और प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की यात्रा के को जो है इसमें उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इस पुस्तक के बारे में ये डिटेल आपको याद रखना है, लेकिन सबसे पहले इसके राइटर का नाम रखना है, असार्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र बी अकलेकर। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने वाइस आर्मी चीफ का पदभार ग्रहण किया। तो देखिए, अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरावने जो है वाइस आर्मी चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। और देखिए, इन्होंने इस पद पर जो है लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू का स्थान लिया है। देखिए, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मनोज मुकुंद नरावने के बारे में। देखिए, जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल नरावने जी हैं, इससे पहले ये जो है सेना की पूर्वी कमान की अगुवाई कर रहे थे, जो कि चीन के साथ लगती है और भारत की करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा जो है इसकी देखभाल करती है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है नरावने जी के बारे में, इससे पहले कहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन अब जो आपके मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है, ये जो है भारत के वाइस आर्मी चीफ के रूप में जो है काम करेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि भारत की यशस्विनी देशवाल ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं के कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, आपकी यशस्विनी देशवाल है, इन्होंने जो है 10 मीटर
एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो फिर से रिवाज करा दूं कि भारत की यशस्विनी देसवाल ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता हाल ही में। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने चेक गणराज्य में 20.09 मीटर का थ्रो फेंककर कौन सा पदक जीता। तो देखिए, इन्होंने अभियाली में एक सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, देखिए भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है इन्होंने चेक गणराज्य में हाल ही में एक प्रतिस्पर्धा में जो है 20.09 मीटर का थ्रो फेंककर जो है हाल ही में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए आपके तेजिंदर पाल सिंह तूर, इनके बारे में करंट न्यूज़ हो रहा है, अभी हाल ही में इनको जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए एक और खिलाड़ी हैं भारत के शिवपाल सिंह, तो इन्होंने भी जो है इसी इवेंट में अपना स्वर्ण पदक जीता। और देखिए जो आपके शिवपाल हैं इन्होंने 81.36 मीटर के थ्रो के साथ जो है पहला स्थान हासिल किया था। तो शिवपाल सिंह के बारे में भी ये जानकारी याद रखना है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो देखिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं आपके लसिथ मलिंगा। और देखिए जो आपके लसिथ मलिंगा है ये श्रीलंकन क्रिकेटर हैं। तो श्रीलंका के जो तेज गेंदबाज यानी कि फास्ट बॉलर हैं लसिथ मलिंगा, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनने का हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए जो आपके श्रीलंकन क्रिकेटर हैं लसिथ मलिंगा, इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया है। देखिए इन्होंने ये रिकॉर्ड 1 सितंबर 2019 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाया अपना 99वां विकेट लेकर। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है। तो देखिए आपको बता दूँ बिहारी में जो है इथोपिया में जो है मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की गई है। और देखिए जो आपकी ये खोपड़ी, इसके बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि ये खोपड़ी जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस नामक प्रजाति से संबंधित है। तो ये डिटेल आपको याद रखना है इस खोपड़ी के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है इथोपिया में जो है मानव के लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है। और नौ प्रश्न है कि फिच सॉल्यूशंस माइक्रो रिसर्च के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश साल 2025 तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। तो देखिए ये देश आपका भारत है, जो आपका फिच सॉल्यूशंस माइक्रो रिसर्च है। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत जो है ये 2025 तक कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। और देखिए आप बता दूं कि वर्तमान में जो है भारत जो है ये कोकिंग कोल का सबसे अधिक आयात किससे करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है। दसवां प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा शहर 45वें स्थान पर है। तो देखिए भारत का ये शहर आपका मुंबई है। आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2019 में जो भारत का मुंबई शहर ये 45वें स्थान पर है। और देखिए इसी सूचकांक में जो है दिल्ली को 52वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो दिल्ली 52वें स्थान पर है और मुंबई 45वें स्थान पर है विश्व के सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2019 में। और देखिए इस सूचकांक में पहले स्थान पर जो है टोक्यो है और इसमें जो है सिंगापुर और ओसाका जो है ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर आपका टोक्यो हो गया जो कि जापान की राजधानी है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर हो गया, तीसरे स्थान पर जो है इस सूची में ओसाका हो गया और 45वें स्थान पर मुंबई हो गया और 52वें स्थान पर जो है दिल्ली हो गया। ठीक है, इन पाँचों की रैंकिंग आपको याद रखनी है। और 11वां प्रश्न है कि इप्सोस द्वारा जारी ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए जो आपका इप्सोस है इसके द्वारा जारी ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में भारत को जो है 9वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए इस इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है ये 86% अंक के साथ जो है दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं यानी कि ये पहले स्थान पर हैं। और इसके बाद फिर आपका चीन है 83वें स्थान पर, ग्रेट ब्रिटेन को जो है 82वें स्थान पर इसमें रखा गया है और फ्रांस को इसमें 80वें स्थान पर रखा गया है, अमेरिका को 79वें पोजीशन पर रखा गया और सऊदी अरब को 78वें पोजीशन पर रखा गया है। तो देखिए जो आपके प्रमुख देश होते हैं उनकी रैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल बता दी। तो इसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, देखिए जो आपका ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे है 2019 का, इसमें भारत जो है 9वें स्थान पर है और इस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में पहले स्थान पर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। ठीक है, और इसके बाद चीन जो है इस सूचकांक में 83वें स्थान पर है, फिर आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन 82वें स्थान पर है, फ्रांस 80वें स्थान पर है, अमेरिका 79वें पोजीशन पर है और जो आपका सऊदी अरब ये 78वें पोजीशन पर है। 12वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक दर्ज करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। तो देखिए ये आपके भारतीय गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह।
आपको याद रखना है कि जसप्रीत बुमराह जो है ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक दर्ज करने वाले तीसरे भारतीय बन गए, ठीक है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने कहाँ पे बनाया ये भी जान लीजिए। देखिए इन्होंने 42 में जमैका के किंगस्टन में आयोजित वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जो है लगातार 3 गेंदों पर जो है 3 विकेट लेकर ये जो आपका हैट्रिक दर्ज करने वाला रिकॉर्ड है इसको बनाया, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको याद रखना है। और 13वां प्रश्न है कि कौन सा देश भारत के मानव युक्त मिशन जिसका नाम है गगनयान के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगा। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। रूस ने हाल ही में भारत के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि ये जो है भारत के 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जो है गगनयान के लिए जो प्रशिक्षित करेगा। देखिए जो आपका गगनयान मिशन है इसके मद्देनज़र भारत और रूस के बीच में जो है सहयोग बढ़ाने की सुविधा के लिए रूस के मॉस्को में जो है दूतावास में एक विशेष इसरो इकाई की स्थापना भी की जाएगी इसके लिए। 14वां प्रश्न है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं विवेक कुमार जौहरी। और देखिए जो आपके विवेक कुमार जौहरी हैं ये अगले वर्ष सितंबर में जो है सेवानिवृत्त होंगे और ये जो है क्रम से देखा जाए तो बीएसएफ के जो है 25वें प्रमुख बने हैं। तो आपको अभी क्या रखना है लाइन में कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का नाम है विवेक कुमार जौहरी, ठीक है, और ये जो है 25वें बीएसएफ के प्रमुख बने हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर में बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। और दूसरा प्रश्न है कि किसे हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, इसका आंसर बताइए। और तीसरा कि किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, इसका आंसर बताइए। और देखिए चौथा है कि जो आपका अंडर 15 सैफ फुटबॉल कप है, ठीक है, तो इसको किस देश ने जीता और किसको हरा कर जीता ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर बताना है आपको। और इससे जुड़ी जो न्यूज़ है ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, कल का वीडियो देख के इसको जो रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर से। होता तो वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर देना है और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का अपडेट आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हो तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको GS और करंट अफेयर के अपडेट जो है यहाँ भी मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।